हे फैमिली, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस प्रश्यून में। और आज का ब्लॉग की शुरुआत हम और आधवी दोनों साथ में कर रहे हैं। बाकी अभी आधवी पता नहीं कहाँ नीचे देखी जा रही है। कहाँ देख रही बिट्टू? ये जे जे ओ ओ शुनुआ बिटुआ काजी काजी। और आज का ब्लॉग काफी ज्यादा खास है क्योंकि अचानक से हमारे अंकल आंटी आए हुए हैं हमारे काजू बिटिया से मिलने। वो लोग यहाँ पे पास में कोई पूजा होने वाला था तो वहीं पे आए हुए थे, तो हमारे घर पे भी आ गए और आज उनको जबरदस्ती हम लोगों ने रोक लिया है अपने घर पे कि डिनर करके ही जाइएगा। बाकी आंटी से मिलवाते हैं और अंकल से भी मिलवाते हैं आप लोगों को, लेकिन पहले काजू को ठीक से पकड़ ले, बहुत ज्यादा डर लग रहा है पकड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए कौन आया हमारे घर, ये प्यारी सी आंटी आई हुई है। आंटी आई आंटी के, और आंटी को हम आज काम पे लगाए हुए हैं क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद ये नजर आई। बहुत दिन पहले, शादी से पहले इनके हाथ का खाया था पनीर का सब्जी, तो वो वही बात करते करते इनको रोक लिए और बोले कि आंटी आप बना के खिला के ही जाइए। तो आंटी आलू किस लिए? आंटी पनीर और मटर पनीर की सब्जी बनाए, मटर और आलू का सब्जी बनाएंगे उसमें पड़ेगा, उसमें पनीर में थोड़ा सा देंगे। अच्छा, दो किस्म का सब्जी बन रहा है तो फिर एक मटर पनीर और एक बस नॉर्मल पनीर। वो निशा के लिए कुछ नहीं होगा। बाकी उधर अंकल को भी काम मिल गया है, दिखाते हैं उनको भी। अंकल भी मटर छिल रहे हैं। कौन दिया है मटर छिलने के लिए? वो ले लिए अपने आप, कि दोनों सब कोई मिल के काम कर रहे। अच्छा, सब कोई मिल के। तो इधर में अंकल भी मटर छिल रहे हैं। मटर छिल लिए, छिल चुके। वाह, बड़ा जल्दी काम किया। आंटी आलू छिल रही तब तक अंकल ने मटर छिल दिया। तो मदर आगे तुम्हें एक आलू छिल जाए तो मटर छिल दिए छे फास्ट फास्ट। मेरे घर, हमारे घर आओ। हाँ, और ये रहा मैगी हमारी मुंटी के लिए। बस सिंपल सा बस मसाला मैगी है क्योंकि इनको हो गया है बुखार। ले मुंटी। क्या जा मुंटी? गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। सुबह के बज रहे हैं लगभग 10:30 एंड सब कोई अभी चाय वगैरह पी रहे हैं। इधर हमारी काजू है, काजू मस्ती कर रही है। सुबह सुबह सब कुछ इनका हो गया है, सारा सब कुछ काम धाम। और इनका आज बहुत अच्छा प्यारा सा सुबह सुबह सेट भी आ गया है फ्लिपकार्ट से। मैंने इनका हेयर केयर सेट मंगवाया था। नेल्स बड़े हो गए हैं तो नेल कटर नहीं था, था मतलब बड़ा वाला था, इससे डर लग रहा था तो बेबी वाला मंगवाया मैंने। एंड कॉम भी मंगवाया। और बाबू के ऊपर ना, सर के ऊपर बालों पे वो थोड़ा सा थिक लेयर से एग्जाम दे जाते हैं, जैसे क्रेडल कैप कहते हैं। मैंने गूगल पर सर्च वगैरह किया तो वो कॉम करने से धीरे धीरे निकल जाता है, तो इसीलिए वो मंगवाया। बाकी कल रात में तो ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, और जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मुंटी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, अभी भी इधर सोई हुई ही है और इनका अभी तक फीवर मतलब उतरा नहीं है। वैसे पापा ने जो लास्ट टाइम बुखार आया था, पापा ने वो मेडिसिन लेके आए थे, फिर से लेके आए। देखते हैं आज दे उतरता है, मतलब आज दोपहर तक अगर बुखार नहीं कम होता है, मतलब कम तो हो जा रहा है लेकिन फिर से आ जा रहा है, तो अगर नहीं ठीक होता है तो लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। और क्या, हर मंथ इसका होना ही है फीवर, तो काफ़ी ज़्यादा लो इम्यूनिटी वाली है हमारी मुंटी जी। और उधर में भाई साहब उसको एकदम चिरा चिरा के उसको परेशान कर दिया है। गुड्डू इधर आ जाओ भाई, थोड़ा दो चार शब्द। सो माय रिक्वेस्ट अगेन, पहले जाओ सीख के आओ, चल जाओ सीख के आओ। ये पता नहीं हमेशा नूडल्स, प्लीज गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। हाँ कबे आसी? এই তো হলো কদিন, দু মাস হয়েছে। তো দেখো না আমি খেয়ে নি ঘর থেকেই। তো দোস্তো আজকে ব্লগ কা শুরুয়াত ইস কটন ক্যান্ডি কে সাথ হো রাহা হ্যায়। মা একবার ফোন করেছিল,
কাকে? আমার কে যে এখানে দাদু, এই যে দাদু আছে এখনো, এই তিন চার পাঁচ মাস হচ্ছে। তোমাকে দেখাবো এই ভিডিওতে, টিভিতে তুমি দেখতে পারবে, ঠিক আছে? তো আজ কি ব্লগ কি শুরুয়াত ইস কটন ক্যান্ডি কে সাথ হো রহি হ্যায় কাফি দিনো কে বাদ, আর এক ফ্রি মে মিলা হ্যায় দাদাজি কে তরফ সে। ইয়াসে তো ইয়ে এক ছে কা দেতে হ্যায় বাট হাম লোগ কো এক এক্সট্রা মিলা। হ্যাঁ দাদাজি, ইতনা আচ্ছা কি আর বেশি দি? নাই নাই ঠিক আছে, ইতনা কাফি হ্যায়। হাই মনা, হ্যালো। ব্লগ কি শুরুয়াত ইস মস্ত মস্ত কটন ক্যান্ডি কে সাথ হো রহি হ্যায় কাফি দিনো কে বাদ আজ কা ব্লগ আ রহা হ্যায়। और होप आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग नहीं आने का कारण यही था कि बिहार में नेट बंद हो गया था कुछ राइट के कारण, आई थिंक, जैसे कि मुझे बताया गया था। तो मुझे तो एडिट करने आता नहीं है, मैं थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की बट वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया एडिट करने के चक्कर में। एंड मुंडी का तबीयत अभी ठीक है, रिकवर करके ही मुझे एक उसके लिए दे देती हूँ। एंड ये जो दादाजी आप लोगों ने देखे, ये बहुत दिनों से हमारे मुंटी, एक तुम ले लो, वही जो, तो बहुत दिनों से ये ऐसे सेल करते हैं। जब ये 1 रुपये का एक हुआ करता था तब से इनसे खरीदते हैं और इनका इस एज में अभी तक काम करता है, वाकई एक काबिले तारीफ है। थक सी जाती हूँ जब भी सीढ़ी पे चढ़ती हूँ, बाकी चलिए एंजॉय करते हैं। मम्मी का काफी ज्यादा फेवरेट है ये वाला चीज, इसीलिए मम्मी ने ही उनको रुकवाया। एंड वो मुझे भी पहचानते हैं कि तुम कब आई, लेकिन मैं ज्यादा निकल नहीं पाती हूँ, हमेशा मम्मी ही लेती हैं, तो इस कारण से। बाकी मेरी बाबू अभी इधर सो रही है मस्त, उसको नेट लगा दिया है। तो चलिए पहले ये मजा करके खाते हैं, और अब से लोगों से खूब सारी बातें भी करनी है, बहुत सारी बातें करनी है एक्चुअली, बहुत सारा गुड न्यूज भी है, वो सब भी आपसे शेयर करना है। मैं एक नया फोन लेने के बारे में सोच रही हूँ, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, बस 25-30 के आसपास, 20-25-30 इतना में के आसपास, कोई अच्छा फोन हो कैमरा वाला जिससे अच्छा ब्लॉग बन पाए और थोड़ी स्टोरेज भी ज्यादा हो। आप लोग के नॉलेज में अगर ऐसा कोई फोन हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि मेरा फोन अब मतलब कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं कब, इसीलिए मुझे जल्दी से एक नया फोन लेना है। तो कॉटन कैंडी खाने का तो मजा ही अलग है, एकदम से मस्त लगता है। इसे बूढ़ी का बाल भी कहते हैं, कॉटन कैंडी भी कहते हैं, और भी बहुत कुछ इसे कहते हैं, बट मेरा फेवरेट है, मम्मी का भी फेवरेट है, और मजे से मैं खा रही थी। तो सोच आप लोग से भी, जो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी गुड न्यूज़ है, तो गुड न्यूज़ क्या है आप सबको तो आई थिंक बहुत कोई को पता होगा, बहुत कोई को नहीं पता होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है, या फिर मैं भी एक बार बता देती हूँ आप लोगों को, तो फाइनली अमित जी का एंड किट्टो दीदी का बेबी आ चुका है इस दुनिया में। और खूब सारा, मतलब मैंने तो फोन पे बात किया, देखा भी बाबू को, एंड काफी ज्यादा मुझे मजा आ रहा था देख के। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, एंड मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी उनके बेबी आने के लिए, एकदम बहुत ज्यादा खुश थी। डेली दीदी से बात भी करती थी कब आएगा कब आएगा, लेकिन फाइनली अब उनका बाबू इस दुनिया में आ चुका है। एंड बहुत मजा आएगा, अब मिलने जाएंगे जल्द ही। कार्तिक से भी मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, जैसे मिस्टी मिस्टी की, क्योंकि उस समय आप लोगों को पता था कि बहुत ज़्यादा एनिवर्सरी में उसके साथ लगाव हो गया था। तो जल्द प्रे कर रही हूँ कि जल्द उन लोग से थोड़ा बहुत मिलूँ, बाबू से मिल जाऊँ। अभी तो मेरी बाबू इतनी छोटी है तो उसको लेकर मैं कहीं नहीं जा सकती, बट जितना जल्दी हो सकेगा हम सब एक जगह बहुत जल्द इकट्ठे होंगे और आप लोग को दिखाएंगे व्लॉग में। तो चलिए अभी तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट वैसे मैंने फोन पे कर दिया, अगर वो लोग हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो उन लोगों को भी अभी तो टाइम वैसे नहीं मिलेगा, तो उन लोगों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। एंड किट्टो के बेबी के लिए भी आप लोग प्रे कीजिएगा कि वो भी स्वस्थ रहे, अच्छी रहे। जैसे ही हमें पता लगता है कि इनका बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है, आप लोग से भी जरूर शेयर करेंगे, वो भी स्वस्थ रहे अच्छे से रहे। बाकी हमें लगता है कि आप लोग उनके मुंह से सुनिएगा कि बेबी बॉय हुआ है कि बेबी गर्ल हुआ है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मतलब अपना बताए आप लोगों से। तो आप लोग उन लोग से ही सुनिएगा, बाकी हम लोग को पता जैसे लगेगा हम लोग भी बताएंगे जैसे ऐसे। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल सुबह नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। इसको देखिए गुड नाइट हो गया है, काजू का भी गुड नाइट हो गया है, और मेरी मम्मी तो भाई लूडो में ही लग गई है। चलिए इनको अपने काम में बिजी रहने देते हैं। गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो भाई। पता नहीं ये ब्लॉग आप लोग शाम को देखिएगा कब देखिएगा, तो उस हिसाब से गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग
चलिए मिलते हैं कल सुबह, बाय गाइस।